गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग द नेक्स्ट कंजक्शंस ऑफ द टॉपिक कंपाउंड सेंटेंस, द नंबर टू अल्टरनेटिव कंजक्शन. बिफोर इट आई हैव एक्सप्लेन फर्स्ट टाइप ऑफ कंजक्शन, योर फर्स्ट टाइप ऑफ कुमुलेटिव कंजक्शन. इस पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कुमुलेटिव, जो आपको ज्वाइन करने वाले कंजक्शन से. ये टाइप ऑफ कंजक्शंस का सेकेंड टाइप है अल्टरनेटिव कंजक्शंस. इसमें क्या होता है, वी हैव चॉइस टू चूज आवर ऑप्शन. अल्टरनेटिव से ही आपको इससे पता चले, अल्टरनेटिव मीन्स है यहाँ पर चॉइस होना, यानी हमारे पास चॉइस होता है, या तो हम इसे चॉइस चूज करें या उसे चूज करें. चूज यानी दो चीज़ों में जब हमें कोई चीज़ सेलेक्ट करनी होती है तो हमारे पास चॉइस होती है. अल्टरनेटिव में यही होता है. कंजक्शंस हमें कैसे पता चलता है कि हम कौन सा यूज करें, तो जिस सेंटेंस में जहाँ पर चॉइस हमें दिख रहा है वहाँ पर हम अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज करेंगे. तो वर्ड्स आर यूज इस वाले कंजक्शन में, अल्टरनेटिव कंजक्शन में हम कौन से वर्ड यूज करते हैं, आइदर, बीच में कुछ वर्ड आएगा, आइदर और, नाइदर नॉर, और अदरवाइज एल्स. ये सारे वर्ड्स हैं जो हम अल्टरनेटिव कंजक्शंस में यूज करते हैं. क्या बनाने के लिए ये अल्टरनेटिव कंजक्शन यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इससे हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं. ठीक है, द एग्जाम्पल्स आर हियर. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज रन क्विकली यू विल मिस द ट्रेन. यानी दो सेंटेंस है, रन क्विकली एक आपका फर्स्ट सेंटेंस है, यू विल मिस द ट्रेन सेकेंड सेंटेंस है. रन क्विकली तेजी से दौड़ो, और या अदरवाइज अन्यथा, और मीन्स होता अथवा या अन्यथा यू विल मिस द ट्रेन. ये हमारा है यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड, यानी या तो हमने अदरवाइज लगाया या फिर हमने क्या लगाया है, और, अथवा तुम मिस कर दोगे अपनी ट्रेन को. यानी दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया और या अदरवाइज ने, तो इससे ये बन गया हम चॉइस थी, या तो तेज दौड़ो अन्यथा, यानी चॉइस है, चॉइस से तभी तो पता चला हमें यहाँ अल्टरनेटिव से अदरवाइज आया है. चॉइस थी, क्या चॉइस है, तेज दौड़ लो नहीं तो ट्रेन जो है मिस हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर, सेंटेंस नंबर टू, आई डू नॉट प्ले हॉकी. मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ. आई डू नॉट प्ले क्रिकेट. मैं क्रिकेट भी नहीं खेलता हूँ. दोनों में नेगेटिव है. आई प्ले नाइदर हॉकी, न तो मैं हॉकी खेलता हूँ, नॉर क्रिकेट, और न मैं क्रिकेट खेलता हूँ. तो नाइदर नॉर आता है नेगेटिव सेंस में, जो आपको ऊपर मैंने वर्ड्स दिए थे उसी में से था आइदर और नाइदर नॉर. नाइदर नॉर मीन्स यहाँ पर जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उस सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ होता है, और आपका आइदर और पॉजिटिव सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है. तो आइदर और, नाइदर नॉर, ये दोनों ही जब पॉजिटिव आ जाएगा तो आइदर और लगा सकते हैं, अदरवाइज लगा सकते हैं. इसी तरह से वर्ड्स जो हमने वर्ड्स यहाँ पर आपको दिए थे, जो ये सारे वर्ड्स हैं आइदर और, नाइदर नॉर, और अदरवाइज एल्स, ये सारे वर्ड्स यूज़ करके हमें अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना है. नेक्स्ट कम टू द थर्ड टाइप ऑफ कंजक्शंस, एडवर्सेटिव कंजक्शंस. थर्ड टाइप ऑफ कंजक्शन हियर एडवर्सेटिव. इससे भी आपको नाम से एडवर्स मीन्स अपोजिट. ठीक है, अपोजिट, जहाँ पर हमें अपोजिट सेंस लगता है सेंटेंस में, या अपोजिट वर्ड फील होते हैं या दिखते हैं, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं. व्हेन वी गेट कंट्रास्ट और अपोजिशन वी यूज़ दिस कंजक्शन. जहाँ पर हमें अपोजिशन, विरोध जो है वो फील होता है, या फिर क्या दिखता है हमें, कंट्रास्ट वर्ड मिलते हैं, कौन सा कंजक्शन यूज होता है, एडवर्सेटिव कंजक्शन, जिसके थ्रू हम क्या बनाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस. तो वर्ड्स आर हियर, कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, बट, हाउएवर, नेवरदलेस, स्टिल, येट. ठीक है, बट का पता है लेकिन, येट तो भी, स्टिल तो भी में ही आता है, फिर भी या तो भी. अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट सेंटेंस, ही केम टू माई हाउस. वह मेरे घर आया. ही रिमेन साइलेंट, तो भी वो क्या था, फिर भी साइलेंट था, है ना. तो अब हम यहाँ पर कंपाउंड बनाएंगे, ही केम टू माई हाउस. क्लियर, ये आपका हो गया कौन सा, प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, किसे कनेक्ट किया, बट, लेकिन रिमेन साइलेंट, कैसे, चुपचाप से था वो, फिर भी, बट लेकिन से हो गया, यानी घर आने के बाद भी
वो साइलेंट था तो फिर क्या अपोजिशन फील हो रहा था यहाँ पे. सेकंड सेंटेंस इज ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर. किससे? फीवर से सफर कर रहा है वो, यानी बुखार है उसको. ही इज हैप्पी, तो भी वो अपोजिट है, फीवर है फिर भी हैप्पी है, पोजिशन आ गया. ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर येट, तो भी वह हैप्पी है. यानी ये क्लियर सेंस आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पोजिशन है तो हमें एडवर्सेटिव कंजक्शन यूज करना, जिसके थ्रू हम कंजक्शन और अपना कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हियर थर्ड, ही डज नॉट रीच हिज ऑफिस इन टाइम. वो अपने ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंचता है. ही हिज बॉस इज हैप्पी विद हिम, फिर भी उसका बॉस उससे खुश रहता है. तो येट लगा देंगे, बहुत ही सिंपल है. वो टाइम पे नहीं है, येट हिज बॉस इज हैप्पी विद हिम. येट लगा दो, वेरी सिंपल. येट मीन्स तो भी, वाई ई टी येट. तो यानी कि क्या है इसमें सेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ड इसको कनेक्ट करने के लिए यूज करना है. ये आपके कंजक्शंस हैं और नेक्स्ट कंजक्शंस हम आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे. ओके.